हो गया काम, हो गया काम भाई साहब, गाड़ी ऊपर नहीं चढ़ी। अभी मैंने हमारे छोटे भजन गुल्ली को ये पैकेट पकड़ाया और वो पैकेट खोल हेलो गुड मॉर्निंग पीपल, हाय गुड मॉर्निंग। टाइम हो गया 12:15, हम लोग रूम में आके 8:30 सो गए थे और अब मौसम भी बहुत खुल गया है, मौसम भी पूरा खुल चुका है, स्नो मेरे हाल से अब नहीं है, तो अब शायद प्लान कर रहे हैं कि हम लोग रेडी रेडी होके मतलब फटाफट कुफरी साइड जाएं, बाकी लोगों से सलाह करते हैं फिर देखता है कहाँ पहुँचते हैं। कुफरी चल सकते हैं, कुफरी चलते हैं, मेरे ख्याल से कुफरी चलना ज़्यादा बेटर रहेगा, आज कुफरी चलते हैं कल मिले चलते हैं, चलो मिलते हैं हम कुफरी में, यहाँ के जैसे भी होगा वैसे का प्लान आपको बताते हैं। ये आ गया हमारा नाश्ता और प्लान में चेंज, क्या चेंज है क्या चेंज है प्लान में, प्लान में क्या चेंज है? कुछ चेंज है, दो पैर मार दिए थे खिड़की बंद करने। अच्छा क्या हो गया खिड़की पे फिर? आराम से बंद हो रही है। वेरी नाइस, थैंक यू। जाओ फिर नहा के आओ, हो गई 60 मुबारक, अब कहाँ जाएंगे, कहीं भी नहीं, लौट के बुद्धू घर पे बैठे अभी चाय पकड़ाओ, जिनको चाय पकड़ाओ। भाई साहब सारे बहुत जोश में, एक कह रहा कुफरी एक कह रहा मॉल, अब होगी बारिश स्टार्ट, अब जब तो बारिश होगी नहीं हम लोग यहाँ से जा नहीं सकते, देखते हैं आगे कैसे होता है। हेलो सो गाइस, अब हम रेडी हो गए हैं एंड प्लान में थोड़ा चेंज आ गया है, वी आर गोइंग टू शिमला मॉल रोड बिकॉज कुफरी का रास्ता पूरा पैक जैम है एंड और यहाँ से जहाँ पर हमारा गेस्ट हाउस है यहाँ से 2 किलोमीटर्स का वॉक है, तो 2 किलोमीटर्स का वॉक करके अपन लोग जाएंगे और वहाँ का नज़ारे आपको दिखाते हैं। इस टाइम क्या हाल है, मॉर्निंग में तो स्नो हो रही थी बट इस टाइम बारिश हुई है, बारिश होने के बाद अब थोड़ा सा वेदर ठीक सा हो गया एंड वॉक करने लायक है बट अनसर्टन है, बारिश होती है तो फंसने वाली बात है। इट्स ओके, आए हैं तो एडवेंचर के लिए आए हैं, तो देखा जाएगा जो भी होगा, स्टे ट्यून्ड। लुक एट द व्यू गाइस, ये भाई साहब हमारे सेल्फी लेते हुए, सूरज देवता प्रसन्न हो गए हैं, आने वाले हैं एंड इट्स अ गुड न्यूज, व्यू इज प्रीटी ऑसम यार, ये नज़ारे यही मिल सकते हैं पहाड़ों में और कहीं भी नहीं, उधर से सन आ रहा है, इधर क्लाउडी हो रहा है, प्रीटी कूल यार, प्रीटी कूल, वाओ लुक एट द मूवमेंट ऑफ द क्लाउड, स्लोली स्लोली चल रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि दो घोड़े भाग रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ द क्लाउड इज लाइक दैट, ब्यूटीफुल। और हमारा ट्रैक स्टार्ट होते हुए, इट्स अ वेरी स्टीप डिक्लाइन, वापस आते वक्त वाट लगने वाली है, बारिश हो रही है, हैं? बिल्कुल बिल्कुल यार, बारिश है तो वाट लग जाएगी, हवा चल रही है, नहीं यार क्लाउड्स भी आ रहे हैं, नजारे हैं यार, मजा आ गया, फुल फन, वाओ। बॉडी में ना चलने से गर्मी आती है, ठंड नहीं लगती, रात में ट्रैक इज रियली गुड, ना अजीब लग रहा था सीरियसली, जब हम आए थे इस रोड पे हम कैप्चर नहीं कर पाए, और ये रोड ऐसी स्केरी लग रही थी ना, विदाउट लाइट विदाउट एनीथिंग एंड इट वॉज रियली स्केरी, ये देखो जरा, इंक्लाइन डिक्लाइन इंक्लाइन डिक्लाइन, बस लगे पड़े हैं, इट विल टेक अस अराउंड 30 मिनट्स वॉक टू रीच मॉल रोड, तो क्योंकि मॉल रोड इसलिए जा रहे हैं वहाँ पर लग रहा है शायद कि बारिश नहीं मिलेगी, क्लाउड्स थोड़े क्लियर हो गए, ये देखो ये भाई साहब कह रहे थोड़े थोड़े भागो ऐसे, पूरी पैकिंग होने के बाद कैसे भागा जाता है इनसे देखो,
लुक एट इट, लुक एट इट, लुक एट इट, भागो 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 भागो, कौन पहले पहुंचेगा? चलो गाइस, मीट यू फर्दर। चलते चलते स्नो मिली, आगे वहां पर स्नोफॉल हो रही है और साथ में वहां पर ये चाकू टेंपल है। और यहाँ स्नो है, स्नोफॉल हो रहा है और यहाँ से क्लाउड्स हैं और उसी के नीचे राइट हैंड साइड पे आई गेस यहाँ पर रिज है। बाकी वहाँ चल के आपको दिखाते हैं। हवा इज लिटरली फ्रीजिंग, बहुत ठंड लग रही है, बहुत तेज हवा चल रही है। क्यों? बहुत ज़्यादा। चलो 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 ट्रैक करो, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। मॉल रोड की तरफ जाते हुए स्टीप चढ़ाई है बिल्कुल यार, बहुत तगड़ा इंक्लाइन है। वो सब आते जाते हुए मैंने स्टेयर्स ली थी, छोटी छोटी स्टेयर्स, नाइस। और यहाँ पर मास्क इज इम्पोर्टेंट, ये देखो थोड़ी थोड़ी बर्फ पड़ी हुई है जो रात को सुबह पड़ी थी। वॉकिंग टूवर्ड्स द रिज, स्टे ट्यून्ड, आगे दिखा रहा हूँ आपको। वेलकम टू द मॉल रोड, पूरी मॉल रोड एंड टोटली फ्लडेड, बहुत लोग आए हुए हैं यार, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। Look at it, full packed. चलो देखो stalls, shops for the shopping. Nice. अभी स्ट्रेट रास्ता चला जाएगा रिज की तरफ, रिज पे जा रहे हैं। Welcome to the ridge. After a half an hour walk, finally we welcome you to the ridge. क्या पूछना है? नहीं कुछ भी नहीं बनाएगा वो, हमारा गेस्ट हाउस इज ऑल वेजिटेरियन। Welcome to the ridge. Ridge fourth right. Welcome fourth right, DJ. Three gates point. Going towards the Jaku Temple. यहाँ से अगर हम आते हैं टूर तो हमें चर्च के पीछे से जाना है। ये देखते हैं। रिच फ्लैग इज नॉट देयर एट द पोजीशन, अभी फ्लैग नहीं है वहाँ पर। मौसम वेदर ने हमारा साथ दे दिया, इट्स सनी सनी सनी। आगे वेदर वहाँ पर क्लाउडी है बहुत ज़्यादा। चले टूवर्ड जाकू, चलो 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 चलो। ये चर्च के पीछे से जाकू के लिए ट्रॉली, पहले जाकू टेम्पल जाएंगे और वहाँ से आपको दिखाएंगे। क्राइस्ट चर्च, यहाँ से स्ट्रेट विल गो टुवर्ड्स जाकू टेम्पल। जाकू टेम्पल जाने के लिए वैसे तो ये रोपवे भी है बट हमने करी है कैब चार्ज, 100 rupees वन साइड पर पर्सन। अभी रोपवे का भी आपको रेट लेके देते हैं सो दैट आपको पूरा नॉलेज हो। मॉल रोड से कम 200-250 मीटर पैदल चल के ये जाकू रोपवे का बिल्डिंग आती है और मॉल रोड से दिख जाती है चर्च के बाद।
ये देखो। तो जाकू जाने के लिए हमने ये टैक्सी करी है, हम लोग चार बंदे हैं और फिर वो 800 rupees फॉर टू वे। बेटर है यार यही कर लो। इन्होंने अपना पीछे नंबर भी दे दिया कि नंबर पे कॉल कर ले जब ऊपर से फ्री हो जाए तो ये गाड़ी भेज देंगे। ये आगे हम जा रहे हैं गाड़ी के लिए। ये देखो गाइस, स्नो हटाने के लिए ये यूज किया जाता है, स्नो रिमूविंग मशीन। पीछे टायरों पे चेन लगा रखी है ताकि स्किड ना हो। और आज सुबह इन्होंने इसी से स्नो हटाई है। ये देखो स्नो रखी हुई है, फ्रेश फ्रेश है बिल्कुल। सिंगल सीटर है। टूल्स ये चेन लगाई हुई है स्नो के लिए, चेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ से हम ऊपर जाएंगे कैब में बैठ के। वेट करते हुए हमारा स्वागत करने आया हमारे वरराज। और देखो और इसे ना उधर भी है कैब आगी हमारी है जी। गड्डी आगी, गड्डी आगी। ऑल्टो ऑल्टो ऑल्टो। भैया पीछे बैठ जाओ। सबसे बढ़िया बात भाई सब तीनों मोटर को पीछे बैठा दिया भाई। हाँ बोलो। अच्छा, बोल रहे हो आप हो गया काम भाई साहब। गाड़ी ऊपर नहीं चढ़ी भाई साहब, सिटिंग पोजीशन चेंज। गाड़ी हो रही थी बैक भाई। क्लच जोर से मार। क्लच कितने टाइम में चेंज होता है भैया जी? हमारे गाड़ी की जांच पड़ताल में जांच पड़ताल करते हुए ये क्लच कितनी देर में चेंज होता है, कितने टाइम में चेंज करा लेते हो? और ये देखो भाई साहब रास्ते मिल रही स्नो 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 वो ये ऊपर चढ़ना भाई साहब। ऑल्टो 800 मैकलोडगंज भी ऐसे ही है। उतरे या उतरे उतरे एक और आगे पीछे यार भाई साहब। भाई उसको लेना पड़ेगा पीछे, वो इसको ही ले जा सकता है। उसकी गाड़ी थोड़ी सी आराम से भाई, आराम से रहा वो भाई। बैक हो रही है खतरनाक है। बहुत ही सेकंड ट्राई लेते हुए जबरदस्त तरीके से हमारी गाड़ी चढ़ते हुए पूरा घोड़े खुले हमारे ड्राइवर साहब फुल टॉक जनरेट करते हुए अलग लेवल हो गया। ये देखो स्नो हरा वीर बजरंगी हरण महादेव जय बजरंग बली। भाई साहब मुंह से अपना निकलते थे वैसे शर्तों पर। जयकारा वीर बजरंगी हरण महादेव। ये देखो नीचे पर वो मेरा फोन ना छूट जाए। ये तो लेवल ही अलग है, अलग ही लेवल है साहब। हमारे ड्राइवर साहब बहुत ही मेहनत करते हुए और छत के ऊपर देखो। ये छत के ऊपर देखे यार, रोड के आगे देखे। इस टाइम तो भैया ने इतनी जान लगा दी है कि वो उस साइड आना है यार। सो गाइस कैब ने हमें वहाँ पर उतार दिया था और वहाँ से हम ये स्टेप्स बने हुए हैं, स्टेप्स के थ्रू हम लोगों को वहाँ ऊपर जाना है। एंड रॉ स्टेप्स है यार, मजा आ रहा है। फाइनली
वो रहा जाकू टेम्पल। यहाँ से हम जाएंगे हम लोग कर स्नो कपियर यहाँ भी बहुत ज्यादा स्नो है। टूरिस्ट यहाँ पर मजा ले रहे पूरा स्नो का किस बार। चलिए अब हम दर्शन करते हैं फिर आपको मिलते हैं। जाकू टेंपल नहीं शायद जाने नहीं दे रहे ड्यू टू कोविड रीजंस। गाइस जय बजरंगबली जय हनुमान महावीर करो कल्याण। जाकू टेंपल अभी मैंने हमारे छोटे से बजरंगबली को ये पैकेट पकड़ाया और वो पैकेट खोल के खा रहे हैं। Look at the way they are eating. यहाँ फोटो सेशन चल रहा है अमित हमारा फोटोग्राफर और ये लोग कभी ऐसे कभी वैसे कभी कैसे करके फोटो खींच रहे हैं। ये देखो भाई साहब पूरा पोज मरवा के अब उसका खींचो भाई उसी एंगल से अपना। अब दर्शन हो गए हैं नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स ब्रिज वहां से अपन लोग लंच करेंगे एंड देन वी हेड टुवर्ड्स द गेस्ट हाउस। आज का दिन तो ऐसे स्पेंड हो गया लेकिन वेदर ने हमारा बहुत साथ दिया। चलो आपको बाकी कल देखते हैं क्या होता है। अच्छा जी बाकी कल देखते हैं क्या होता है। कल का प्लान कल देखेंगे मॉर्निंग में वेदर के अकॉर्डिंग। तो अभी रिच पे जाके लंच करेंगे एज आई टोल्ड यू अर्लियर लंच करने का वी गो टू द गेस्ट हाउस देन वी विल हैव सम आवर टाइम बेसिकली। स्नोफॉल गाइस वेलकम बैक स्नोफॉलिंग लुक एट इट स्नोफॉल हो रही है आप देखो मैंने ना अपने पैरों में गाइस आज का दिन मस्त रहा और सब कुछ मस्त रहा और रात में अभी यहाँ पे स्नोफॉल एंड इट्स लिटरली वेरी गुड और हम इसको एंजॉय कर रहे हैं। आज 8 जनवरी है स्नोफॉल हो रही है एंड सब पागल हो पड़े सब पागल हो पड़े। चलो अब ये व्लॉग मैं यहीं पर बंद कर रहा हूँ। मेरा फोन की मतलब आई मीन टू से कैमरा बिल्कुल खराब हो चुका है मैं नया कैमरा लूंगा नेक्स्ट व्लॉग नए कैमरे के साथ लूंगा। टिल देन टेक केयर हैव अ गुड डे बाय बाय टेक केयर बाय 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 बाय।